हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स ये देखिए, ये इस तरह का पैटर्न लेके आई हूँ। ये आप लेडीज कार्डिगन पे, जैकेट पे, गर्ल्स की टॉप पे, शॉल, स्कार्फ, किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कीजिए। ये देखिए, दोनों तरफ से लगभग एक जैसा डिजाइन है। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें 8-8 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए, और प्लस 3 कर लेंगे तो डिजाइन हमारा सेट हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहें नए से नए डिजाइन। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सकें। तो आइए करते हैं स्टार्ट। इस डिजाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 8 के मल्टीपल करके प्लस 3 कर लिए हैं, तो इसी के ऊपर आपको डिजाइन बनाना बता दूंगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है, इसलिए हमने एक रो सिंगल क्रोशिया से बना लेनी है। ये देखिए, एक रो हमने सिंगल क्रोशिया की बना ली। अब फ्रेंड्स यहीं से हमने डिजाइन स्टार्ट करना है, दो चेन करके, दो हमने एस स्टिच बना लेने हैं। एक डबल क्रोशिया और दो डबल क्रोशिया। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहां से 1, 2, 3 स्टिच छोड़ेंगे और चौथे में आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 स्टिच लगाने हैं। अब 1, 2, 3, 4 चेन करनी है और सेम पोस्ट पे आके 5 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 स्टिच छोड़ेंगे, चौथे में टक कर लेंगे। देखिए 1, 2, 3 स्टिच छोड़ेंगे, चौथे में आके फिर से हमने 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 चेन, सेम पोस्ट पे आके फिर से 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1, 2, 3 चौथे में टक कर लेंगे। 1, 2, 3 चौथे में टक करेंगे, 1, 2, 3, 4
पांच, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन, तीन स्टिच छोड़ेंगे, यहां पे आके डबल क्रोशिया बना लें। यहां दो चेन करेंगे और एज स्टिच बना लेंगे, एक दो। अब फ्रेंड्स यहां पे हमने तीन चेन करनी है, एक दो तीन। अब देखिए एक दो तीसरे में टक कर लेना है ऐसे, फिर से एक दो तीन, तो यहां पे टक कर लेना इसको, एक दो तीन, एक दो तीसरे में टक कर लेना। अब देखिए एक दो तीन, अब यहां से नहीं, हमने यहां से गिनना है। देखिए जो ये वाले पांच स्टिच हैं, एक दो तीन, यहां टक करना है इसको, फिर से एक दो तीन, तीन तीन चेन करते जाना है और इस तरह से टक करते जाना है। फिर से एक दो तीन, तो इसको एक दो तीन यहां टक करेंगे, एक दो तीन यहां आ जाएंगे, फिर से एक दो तीन, एक दो तीन तीसरे पे टक करना है, फिर से एक दो तीन, और यहां पर हमने एस स्टिच बना लिया। देखिए नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, नेक्स्ट रो पे आके हमने क्या करना है, ये देखिए एक चेन बनानी है, ये रो हमारी सिंगल क्रोशिया की रहेगी। अब एक चेन करेंगे तो इसमें ऐसे टक कर लेंगे, फिर दो तीन चेन करेंगे तो यहां टक करेंगे, फिर एक दो तीन, 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 एक दो तीन चेन, तो यहां पे टक कर लिया, एक दो तीन यहां टक कर लेंगे। इसके बाद लास्ट में एक चेन बनाएंगे, तो यहां एक और सॉरी एक चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया से दो स्टिच लगाएंगे, एक दो, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए थे। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, ये रो भी हमारी सिंगल क्रोशिया की रहेगी, एक ये हमारे एज स्टिच। इसके बाद फ्रेंड्स एक दो तीन चेन करेंगे तो यहां टक कर लेंगे, एक दो तीन चेन करेंगे यहां टक करेंगे, एक दो तीन, पूरी रो इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है हमने। यहां पे हमने एच स्टिच बना लेने हैं,
नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, यहाँ पे हमारा ये नेक्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। दो चेन करके हम दो डबल क्रोशिया करके एज बना लेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमने ये देखिए यहाँ पे आ जाना है, ये वाले स्टिच में ये सब छोड़ देना है, यहाँ आ जाना है। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, फिर से पांच स्टिच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए। अब हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेना है। इसको यहाँ टक करेंगे और फिर इसके बाद हमने डबल क्रोशिया कर लेना एज स्टिच। ये देखिए इस तरह से आएगा फ्रेंड्स ये डिजाइन। अब आप बना के देखिए, बहुत खूबसूरत लगेगा। तो फीडबैक फ्रेंड्स मुझे जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।